असल डेयर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर है बाइसिंग ऑफ डायोड डायोड बेसिकली पीएन जंक्शन को सेमी कंडक्टर डायोड भी कहते हैं और पी एन जंक्शन हम लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है अगर आप पी एन जंक्शन की कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं डायोड <coughs> की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हम करते हैं ये पी टाइप रीजन है इसका और ये एन टाइप रीजन है बाइसिंग ऑफ डायोड तो बाइसिंग से क्या मुराद है लेकिन जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ डीसी बैटरी अटैच करते हैं तो इसको हम बाइसिंग कहते हैं अगर आप डायोड के साथ डीसी बैटरी अटैच कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के साथ डीसी बैटरी अटैच कर रहे हैं तो इसको हम बाइसिंग कहेंगे बाइसिंग दो तरह की हो सकती है फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग तो पहले हम फॉरवर्ड बाइसिंग को सीखते हैं उसके बाद रिवर्स बाइसिंग के अतबार से बात करेंगे यहां पर हमने एक पीएन जंक्शन कंसिडर किया और इस पीएन जंक्शन में एक पी टाइप रीजन है और एक एन टाइप रीजन है हमें पता है कि पी टाइप रीजन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि एन टाइप रीजन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं अब अगर आप डीसी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस पीएन जंक्शन के पी टाइप रीजन के साथ अटैच कर दें और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप रीजन के साथ अटैच कर दें तो ये हमारे पास जो बाइसिंग बनेगी उसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहेंगे अब इस फॉरवर्ड बाइसिंग में होता क्या है देखें यह बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर में पड़े मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप रीजन में पड़े मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा अब यहां पर ये हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की लेयर पीएन जंक्शन में बन रही है इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं और इस पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है वो सिलिकॉन के एतबार से पॉइंट सेवन वोल्ट होती है जर्मीनियम के पॉइंट थ्री वोल्ट होती है ये भी पॉइंट हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अब यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा क्या कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप रीजन से और मेजोरिटी चार्ज एन एंटाइप रीजन से बैटरी के टर्मिनल से रिपेल होकर डिप्लीशन रीजन की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल बैरियर की तरफ जा रहे हैं लिहाजा पोटेंशियल बैरियर को पुश मिल रहा है दोनों साइड से टाइप रीजन से भी और टाइप रीजन से भी अब अगर बैटरी की वैल्यू 0.7 वोल्ट है या फिर इससे ज्यादा है तो पहले पॉइंट सेवन के अतबार से बात करते हैं अगर बैटरी की वैल्यू पॉइंट सेवन वोल्ड है और हमारे पास ये पीएन जंक्शन सिलिकॉन के अतबार से है तो होगा क्या कि यहां पर ये जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को बैटरी की वजह से पुश मिल रहा है और ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स डिप्लीशन रीजन की तरफ जा रहे हैं तो ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक डाउन कर देंगे पोटेंशियल बैरियर की कम कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी जाएगी इतनी कि पोटेंशियल बैरियर का कोई इफेक्ट बाकी नहीं रहेगा जब पोटेंशियल बैरियर का कोई इफेक्ट बाकी नहीं है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे और जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो बन जाएगा और हमें करंट मिल जाएगा लेकिन अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट सेवन वोल्ट रखते हैं सिलिकॉन के केस में या पॉइंट थ्री वोल्ट रखते हैं जर्मीनियम के केस में तो करंट की वैल्यू बहुत कम होगी तो मान लें कि हम सिलिकॉन के तबार से बात कर रहे हैं तो जब मैं पॉइंट सेवन वोल्ट से वैल्यू बैटरी की बढ़ाऊंगा तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो तेज होगा और हमें एक जो है वो मैक्सिमम करंट मिल सकता है अब ये जो करंट होगा ये इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल हो रहे हैं पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा और कन्वेंशनल करंट किस तरह से होगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट के रिवर्स होगी यानी कि उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होल्स हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे और नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे अब फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डिप्लीशन रीजन की विर्थ होती है वो डिक्रीज हो जाती है जैसा कि हमने अभी देखा कि जो डिप्लीशन रीजन की विट थी वो डिक्रीज हो रही थी क्योंकि डिप्लीशन रीजन पोटेंशियल बैरियर को दोनों साइड से पुश मिल रहा था दूसरे नंबर पर कंडक्शन मैक्सिमम होती है अब कंडक्शन मैक्सिमम क्यों हुई क्योंकि पोटेंशियल बैरियर का अफेक्ट जो है वो खत्म हो गया लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू कर दिया और हमें जो है वो करंट मिल गया कंडक्शन मैक्सिमम हो गई डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्लोज्ड स्विच के तौर पर बिहेव कर रहा होता है देखें क्लोज स्विच का मतलब ये है कि करंट का फ्लो करना तो लिहाजा यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो कर रहा है तो इसलिए हम कहेंगे कि डायोड जो है ये क्लोज्ड स्विच के तौर से बिहेव कर रहा है इसके बरक्स जो हमारे पास रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन होता है उसमें किस तरह की चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं अगेन हमने पीएन जंक्शन को कंसिडर किया और इसमें एक पी टाइप रीजन है एक एन टाइप रीजन है हमने क्या किया जी पी टाइप रीजन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दिया और एन टाइप रीजन के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दिया अब होगा क्या कि यहां पर अब ये नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप रीजन में पड़े मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि होल को अट्रैक्ट कर रहा है और यहां पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप में पड़े मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है तो अगर आप देखें तो रिवर्स बाइसिंग में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स पोटेंशियल बैरियर की तरफ नहीं बल्कि उससे अवे जा रहे हैं लिहाजा पोटेंशियल बैरियर की विर्थ इंक्रीज होगी यानी कि हम पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश ही नहीं कर रहे रिवर्स बाइसिंग में क्योंकि मेजोरिटी चार्ज अवे जा रहे हैं अब इसलिए हम कहते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में जो डिप्लीशन रीजन की वृथ है वो इंक्रीज होती है और कंडक्शन मिनिमम होती है या फिर हम ये कह सकते हैं कि करंट ना होने के बराबर है रिवर्स बाइसिंग में जीरो करंट होता है हा एक निग्लिजिबल करंट स्मॉल करंट रिवर्स करंट जरूर आता है वो किस तरह से आता है कि अगर हम बैटरी की वैल्यू को इंक्रीज कर दें ये एरो का मतलब है कि हमने वेरिएबल जो है वो बैटरी को अटैच किया हो हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं <coughs> अगर हम बैटरी की वैल्यू को बढ़ाते जाएं और सपोज करें कि अगर हम जीरो से थर्टी वोल्ट तक ले गए तो होगा क्या कि ये नेगेटिव टर्मिनल मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को तो अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन ये नेगेटिव टर्मिनल जो पी टाइप में पड़े माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको रिपेल करेगा अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाई काइनेटिक एनर्जी को गेन करके यहां से इस बैरियर को क्रॉस करके यहां पर आ जाएंगे अब यहां क्या होगा यहां पॉजिटिव टर्मिनल उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा लिहाजा माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करना शुरू कर देंगे अगर बैटरी की वैल्यू आप बढ़ाते हैं ज्यादा करते हैं तब तो फिर हम कहते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में एक स्मॉल करंट हमारे पास आ सकता है जिसको हम रिवर्स करंट या फिर लीकेज करंट भी कहते हैं रिवर्स बाइसिंग में डायोड ओपन स्विच के तौर पर बिहेव करता है क्योंकि हम नॉर्मली ये कंसिडर करते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में डायोड में से कोई करंट फ्लो नहीं करता यानी कि डायोड में से फ्लो करने वाला करंट रिवर्स बाइसिंग में जीरो होता है तो लिहाजा हम डायोड को ओपन स्विच के तौर पर कंसिडर करते हैं रिवर्स बाइसिंग में नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रेक्टिफिकेशन के आर्टिकल को डिस्कस करेंगे